हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू आज आपको टमाटर की मीठी चटनी की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसे आप किसी भी पराठे के साथ खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार बड़े टमाटर लेंगे, उसे अच्छी तरह से बॉस कर एक छोटे छोटे स्लाइस में काट कर लेंगे। गैस ऑन कर उस पर एक पैन रखेंगे। जब पैन गर्म हो जाए तो उसमें ऑयल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा, तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे। फ्रेंड्स, तड़का में धुआं आने तक तड़का लगाएंगे। फ्रेंड्स, अब उसमें स्लाइस किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, एक सीक्रेट बताऊं, टमाटर को जल्दी पकाने के लिए उसमें आप नमक का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे आपका टमाटर बहुत जल्दी नहीं पक जाएगा। फ्रेंड्स, अब उसे ढक कर पकाएंगे एक दो मिनट के लिए। फ्रेंड्स, देखिए टमाटर कितनी अच्छी तरह से गल गया है। फ्रेंड्स, इसे एक दो मिनट और पकाएंगे। फ्रेंड्स, जब ये पूरी तरह से गल जाए तो इसमें हल्दी, रेड चिल्ली और कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, सारे इंग्रेडिएंट्स आप अपने टेस्ट के अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। एक दो मिनट पकाने के बाद इसमें फ्रेंड्स हम एक कप चीनी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, शुगर को पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे। फ्रेंड्स, जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो उसमें कुटा हुआ इलायची ऐड करेंगे। इससे आपकी चटनी में एक फ्लेवर आएगा। कटा हुआ नट्स, दो मिनट पकाने के बाद फ्रेंड्स वो तैयार है। फ्रेंड्स, अब उसको प्लेटिंग करेंगे। इसके लिए एक कटोरी लेंगे, उसमें टमाटर की चटनी को निकालेंगे। फ्रेंड्स, गार्निशिंग के लिए कटा हुआ नट्स ऊपर से डालेंगे। फ्रेंड्स, टमाटर की चटनी तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।